आदेश आया और धरे रह गए सारे अरमान। जी हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट को मिलने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अब नहीं मिल पाएगी। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट का मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद कर दी है, जिससे देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के करोड़ों और प्रदेश के लाखों स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट को मिलने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को कक्षा 1 से 8 तक स्टूडेंट के आवेदन पत्रों को रद्द करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने इस योजना में कक्षा 9 और 10 के छात्रों को शामिल करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बाहर कर दिया। इससे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा को कवर करती थी। सरकार के इस फैसले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और शिक्षाविदों में खासी नाराजगी नजर आ रही है। हमारे बच्चों के जो छात्रवृत्ति के फार्म थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। हमने उसके बाद में हमारी पोर्टल पे NSP पोर्टल पे हमारे बच्चों को देखा तो सारे बच्चों के नाम के आगे सबका रिजेक्ट आ रहा। तो सरकार ने इस तरीके से जो ये फैसला लिया है बहुत ही गलत फैसला है और आखिर का फैसला है। जब आपको इस तरीके से अगर फैसला या ऑर्डर या आदेश निकालना था तो आपने हमारे बच्चों के साथ में हमारे पेरेंट्स के साथ में इस तरीके से परेशान क्यों किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के जो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा की अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जा रही थी, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। उसमें तर्क ये दिया गया है कि ये जो बच्चे हैं पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, ये शिक्षा के अधिकार के तहत इनकी शिक्षा निःशुल्क है, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपनी फीस जमा करनी होती है और सरकार ने ये जो छात्रवृत्ति बंद की है बिल्कुल गलत बंद की है। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की योजना 2006 में लाई गई थी, जिसमें पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपए दिए जाते थे, जबकि कक्षा 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को हर साल 4700 रुपए मिलते थे। हॉस्टल में रहने वालों और डे स्कॉलर्स को 600 रुपए और 100 रुपए हर महीने अतिरिक्त रखरखाव भत्ता दिया जाता था। लेकिन इस बार 2022-23 के वित्तीय वर्ष में सिर्फ कक्षा 9 और 10 के अल्पसंख्यक छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। ऐसा होने पर प्रदेश में सरकारी मदरसों, सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9 लाख के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्रा प्रभावित होते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में बदलाव के पीछे सरकार ने एक नोटिस में अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है। ऐसे में केवल कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कवर किया जाएगा। मैं गरीब इलाके से हूँ, मेरी पढ़ाई छात्रवृत्ति के द्वारा चल रही है, अगर वो रुक जाएगी तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी पढ़ाई जारी रखें और स्कॉलरशिप जारी रखें, जिससे हमारी पढ़ाई जारी आगे हो सके। हम यहाँ के गरीब बस्ती में रहते हैं, हमारी पढ़ाई स्कॉलरशिप के जरिए होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप जारी रखे, जिससे कि हमारी पढ़ाई। बदलाव के बाद उठे कई सवाल। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुए बदलाव, स्कॉलरशिप देनी ही नहीं थी तो आवेदन क्यों करवाए गए, अभिभावकों को ई मित्र और स्कूल के क्यों चक्कर कटवाए गए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की विद्यालयों का NPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों कराया, क्यों इन स्कूलों को NPS की कार्यशालाओं में बुलाकर समय की बर्बादी की गई। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अब स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। ऐसे में इस बदलाव के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच लाखों बच्चे प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी तालीम पर इस बदलाव का असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।